तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तो देखने वाले हैं सिडनी वुमेन वर्सेस हार्वर्ड वुमेन का जो मैच होगा, तो उसके लिए हम ग्रैंड लीग की टीम बनाने वाले हैं और देखने वाले हैं ऐसे कौन कौन से प्लेयर हैं जो जीएल कॉम्बिनेशन में आने वाले हैं। तो स्टेडियम की बात करें सबसे पहले तो सिडनी का ओवल का ग्राउंड ही है। अगर स्कोर की बात करें तो 140 प्लस स्कोर आपको देखने को मिल सकता है। एंड स्पिन एंड पेसर्स में बात करें तो पेसर्स के फेवर में ग्राउंड है। तो देखने वाले हैं ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स जीएल कॉम्बिनेशन में आ सकते हैं। तो सबसे पहले बता दें, जो लोग चैनल पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। हर बार टीम हमारी अच्छे खासे पॉइंट के साथ रन करती है ड्रीम इलेवन में और विन करने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं जीएल कॉम्बिनेशन में। तो देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे किस किस को लेने वाले हैं। विकेट कीपिंग सेक्शन से बात करें तो ली इम्पोर्टेंट होने वाली, 94% इनका सिलेक्शन है, तो ली को हम ड्रीम टीम में रखने वाले हैं। बैटर्स की बात करें, नाइट को लेने वाले हैं, इनके मतलब सिलेक्शन रेशियो का 4% है, अभी इन्होंने मैच खेला नहीं, आज का मैच खेलने वाली हैं, तो इनको हम ड्रीम टीम में एक्चुअली रखने वाले हैं। डैनियल की बात करें, इनको भी हम ड्रीम टीम में रखने वाले हैं, इनको बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, जीएल कॉम्बिनेशन में आने के फुल चांस होने वाले हैं। लिचफील्ड की बात करें, रिसेंट फॉर्म इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी है, कैप्टनसी की भी अच्छी चॉइस हो सकती है, तो जो लोग मल्टीपल टीम के साथ खेलेंगे तो एक में लिचफील्ड को कैप्टनसी ट्राई कर सकते हो। ऑलराउंडर सेक्शन से बात करें तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले हैदर की बात करें, इनको हम लेने वाले हैं, हैदर को लेने वाले हैं। अगर बात करें यहाँ पे चमारी को, तो चमारी को भी हम ड्रीम टीम में रखने वाले हैं, इनको भी हम ड्रॉप नहीं कर सकते, 98% इनका सिलेक्शन है, जीएल कॉम्बिनेशन में आने के बहुत ज़्यादा चांस है। लास्ट ईयर की बात करें 90% टाइम्स ड्रीम इलेवन टीम में आई थी लास्ट सीजन में, तो चमारी को बिल्कुल हम ड्रॉप नहीं कर सकते ब्रो। ट्रायन की बात करें, ड्रीम इलेवन टीम में रख सकते हैं, तो इनके बात करें ड्रीम इलेवन में आने लाइक पॉइंट देने वाली हैं, तो वाइस कैप्टनसी की भी अच्छी चॉइस हो सकती हैं। तो आगे देखते हैं जर्जिया को लेने वाले हैं, यहाँ पर आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। निकोला की बात करें, इनके जीएल कॉम्बिनेशन में आने के बहुत ज़्यादा चांस है, बॉलिंग एंड बैटिंग दोनों से कुछ ना कुछ करके दे देंगी ड्रीम इलेवन में आने लाइक पॉइंट। एंड यहाँ पर बात करें बॉलिंग सेक्शन से किस किस को लेने वाले हैं, बेट्स को हम लेने वाले हैं, 2-3 विकेट निकाल के आपको देने वाली हैं, तो बेट्स को आपको ड्रीम इलेवन टीम पर रखना ही पड़ेगा। मौली की बात करें, इनको भी हम ड्रीम टीम में रखने वाले हैं, इनके भी फुल चांस हैं जीएल कॉम्बिनेशन में एंड रिसेंट फॉर्म इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो फाइनली देखते हैं टीम हमारी कौन सी होने वाली है। तो टीम नंबर एक्चुअली 1 की है, तो टीम नंबर 1 एक्चुअली हमारी है। तो विकेट कीपिंग सेक्शन से हम ली को ही लेने वाले हैं एंड बैटर्स की बात करें तो नाइट को लेने वाले हैं, डैनियल को भी लेने वाले हैं, लिचफील्ड को भी हम ड्रीम टीम में रखेंगे। ऑलराउंडर सेक्शन से बात करें तो 5 ऑलराउंडर होने वाले हैं इस मैच में, तो चमारी को रखने वाले हैं एंड बात करें यहाँ पर जॉर्जिया को भी लेने वाले हैं, हैदर को भी ड्रीम टीम में रखने वाले हैं, ट्रायन को भी ड्रीम टीम में रखने वाले हैं एंड बात करें निकोला को भी हम ड्रीम इलेवन टीम में रखेंगे जीएल कॉम्बिनेशन के साथ। तो बॉलर्स की बात करें तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, बैट्स को हम लेने वाले हैं एंड मौली को भी ड्रीम टीम में रखेंगे, तो सेम टीम आप ज्वाइन कर सकते हो। कैप्टनसी एंड वाइस कैप्टनसी की बात करें किसको देने वाले हैं, तो आप लोग देख सकते हो कैप्टनसी की बात करें चमारी को कैप्टनसी देने वाले हैं एंड वाइस कैप्टनसी की बात करें हैदर को देने वाले हैं, मोस्ट प्रोबेबिलिटी जीएल कॉम्बिनेशन में विन करने की होगी। तो कैप्टनसी यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं, तो सबसे पहले जो लोग चैनल पहली बार हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड वीडियो को लाइक भी कर दिया करें जो भी लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं। तो कैप्टनसी की बात हम करने वाले हैं, चमारी को कैप्टनसी देने वाले हैं, वाइस कैप्टनसी की बात करें हैदर को ही देंगे, तो सबसे ज़्यादा ड्रीम इलेवन में पॉइंट देने वाले जो सबसे ज़्यादा प्लेयर होंगे यही दोनों होने वाले हैं, तो इन्हीं दोनों प्लेयर को आप देख सकते हो। तो बाकी के जो प्लेयर हैं आपको बिल्कुल भी चेंजेस नहीं करने हैं, विकेट कीपिंग सेक्शन पे भी कोई बदलाव नहीं करना है, बैटर भी आपको सेम ही रखने हैं और ऑलराउंडर हम 5 हैं आपको सेम रखने हैं, बॉलर्स की बात करें बॉलर्स भी आपको सेम रखने हैं। तो सेकंड ड्रीम इलेवन टीम की बात करें, दूसरी ड्रीम इलेवन टीम और टीम नंबर 2 की बात करें ड्रीम इलेवन टीम की, तो इसमें देखते हैं कौन कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो जीएल कॉम्बिनेशन हम ले सकते हैं। तो
तो दोनों टीम जीएल कॉम्बिनेशन की होंगी, दोनों को आपको ज्वाइन करना पड़ेगा जीएल में विन करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे विकेट कीपिंग सेक्शन से वही हम ली को ही लेने वाले हैं, एंड बैटर्स की बात करें तो आप लोग यहाँ पे डेनियल को लेने वाले हैं। ओके, तो बैटर्स में तो डेनियल को लेने वाले हैं, एंड यहाँ पे बात करें लिचफील्ड को लेने वाले हैं, प्लानी को भी हम ड्रीम टीम में एक्चुअली रखने वाले हैं, सेकंड टीम की बात हो रही है क्योंकि इनकी रिसेंट फॉर्म बहुत ज़्यादा अच्छी है और मतलब पावर हिटर हैं तो कुछ भी हो सकता है एक्चुअली। तो ऑलराउंडर सेक्शन से बात करें, देखो चमारी को नहीं छोड़ सकते, इनको हमें लेना ही पड़ेगा, हैदर को भी हमें लेना पड़ेगा, नहीं छोड़ सकते। ट्रायन की बात करें, इनको भी हम नहीं छोड़ सकते, ड्रीम इलेवन में तो आने ही वाली हैं, कैप्टनसी दो ना दो पर ड्रीम इलेवन टीम में आने वाली हैं 100%। अगर जो प्लेयर हो कैथरीन को हम लेने वाले हैं, एंड यहाँ पर बॉलिंग सेक्शन से बात करें इस्माइल को लेने वाले हैं, एंड यहाँ पर बात करें मोली को भी हम ड्रीम टीम में रखने वाले हैं। अगला जो प्लेयर होगा स्मिथ को लेने वाले हैं क्योंकि स्मिथ की बात करें रिसेंट फॉर्म बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो आपको बता दें 2 से 3 विकेट आराम से निकाल के दे सकती हैं, तो स्मिथ को आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते जो भी लोग हैं। एंड यहाँ पर बॉलिंग में 3 ही बॉलर्स रखने हैं, मोली एंड इस्माइल, तो तीनों को आप देख सकते हो। तो यहाँ पर देखते हैं फाइनल टीम, तो अभी यहाँ पे देखते हैं, देखो विकेट कीपिंग सेक्शन से देखो ली को तो हमें लेना ही पड़ेगा। बैटर्स में 3 होने वाले हैं, देखो डेनियल एंड लिचफील्ड एंड ब्लानी, तीनों को लेने वाले हैं। एंड ऑलराउंडर सेक्शन से बात करें देखो चमारी हो गई, एंड बात हैदर हो गई, ट्रायन भी होगी हमारी, एंड यहाँ पर बात करें कैथरीन भी होगी। और बॉलिंग बॉलर से बात करें तो इस्माइल होगी, एंड बात करें यहाँ पर मोली होगी, एंड बात करें एल स्मिथ होगी, तो इन सभी प्लेयर को आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आप कैप्टनसी एंड वाइस कैप्टनसी की बात आ रही है, किसको देने वाले हैं, टीम नंबर सेकंड है ये वाली, कौन सी है, टीम नंबर सेकंड। तो टीम नंबर वो 1 थी, टीम नंबर सेकंड में अगर कैप्टनसी की बात करें ली को कैप्टनसी देने वाले हैं, ओके कैप्टनसी ली को देने वाले हैं, वाइस कैप्टनसी की बात करें चमारी को देने वाले हैं। तो टीम नंबर 2 के लिए अगर पहले बैटिंग करती है हार्वर्ड, ओके तो कैप्टनसी हम ली को देने वाले हैं, वाइस कैप्टनसी चमारी को देने वाले हैं। तो टीम में सिलेक्ट करते हैं कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी, तो जब तक जो लोग चैनल पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। अगर कोई भी प्लेयर ऐसा है जो लाइन अप आउट के बाद नहीं खेलता है तो फाइनल डिसीजन आपको टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा ऑन टाइम। तो यहाँ पे देख सकते हो कैप्टनसी हमारी ली होने वाली है, ली को कैप्टनसी, वाइस कैप्टनसी हमारी चमारी को। तो बाकी के जो प्लेयर्स हैं यहाँ पे आपको सेम रखने हैं, कोई भी यहाँ पे बदलाव नहीं करना है। तो 3 बैटर्स हो गए इस टीम में, टीम नंबर 2 में 4 हमारे ऑलराउंडर हो गए, एंड बात करें 3 बॉलर्स हो गए। हाई एक्यूरेट टीम है, जीएल में विन करने के बहुत ज़्यादा हाई चांस हो सकते हैं, तो सेम टीम को ज्वाइन कर लेना। और जो लोग चैनल पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, एंड वीडियो को लाइक कर दिया करो जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं। तो टीम नंबर सेकंड एंड 1 दोनों को जाके ज्वाइन कर लो ड्रीम इलेवन में जाके। तो मिलते हैं अगले मैच में, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, एंजॉय द मैच एंड विनिंग द मैच।